यहाँ की जो फीलिंग आ रही है वो अलग ही लेवल की फीलिंग है। स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं, थोड़ा एमएस से अटैक हो रहा है मेरा। रेस नहीं ले रही गाड़ी, बहुत ज्यादा ठंड हो गई है यहाँ पर। ये देखो कितनी चौड़ी रोड बना रहे हैं, शानदार जगह है। और मेरे हाथ जम रहे हैं। अब हो रही है भयंकर स्नोफॉल। यस, वन मोर मिशन अकॉम्प्लिश्ड। आपके लिए सिर्फ इतनी ठंडी हवा, चिली हवा, 0 या -1 डिग्री होगा, बाहर जाता हूँ और शूट करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ केलोंग से, होटल दुपचे इन ये है और ये मेरी गाड़ी है। अब मैं निकल रहा हूँ टूवर्ड शिंकुला पास और उसके पास जाऊँगा गोनबोर रंजन। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, वैसे आइडली जो टाइम है आपको निकलने का वो करीब 7 या फिर 6 बजे आप निकलो। मनाली का रास्ता मैंने रात को ही कवर कर लिया था, केलोंग में मैं रुक गया था। ये है नेशनल हाईवे, मनाली लेह लद्दाख हाईवे, जो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, डायरेक्ट फ्रॉम मनाली टू केलोंग। बहुत ही कम गड्ढे हैं, ज़्यादा नहीं है, स्पीड में गाड़ियाँ जा रही है, जैसे आपने पीछे से अभी देखा था। अटल टनल क्रॉस करते हैं, थोड़ी ठंड है अभी यहाँ पर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू शिंकुला पास। केलोंग से शिंकुला पास का रास्ता करीब 67 किलोमीटर दूर है और गोनबोर रंजन 77 किलोमीटर दूर, और वहीं मनाली से शिंकुला पास है 137 किलोमीटर दूर और गोनबोर रंजन 147 किलोमीटर दूर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले दिन मनाली से केलोंग जाएं और दूसरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग केलोंग से शिंकुला पास की तरफ। तो अभी मैं जिस्पा से करीब 5-6 किलोमीटर पहले हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा नाश्ता पानी के लिए रुका हूँ, बिकॉज होटल में मैंने नाश्ता नहीं करा था, मैं सोचा हाईवे पे रुक के कर लूँ क्योंकि टाइम कम था। फाइनली मैं उस कट पे आ गया हूँ। ये कट दर्चा के 1-2 किलोमीटर बाद ही आता है और ये वाला जो आप ब्लू देख रहे हो, छोटा सा गोल चक्कर है, यहाँ से शुरू होता है शिंकुला पास, कारगिल और लेह लद्दाख का जो नया रास्ता है। और ये वाला जो रास्ता ये जो देख रहे हो, ये जो टर्न पे जा रहा है, ये जा रहा है वो लेह की तरफ जाता है। और वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है शिंकुला 39 किलोमीटर्स, पदम 143 किलोमीटर्स, कारगिल 480 किलोमीटर्स और लेह लद्दाख यहाँ पे राइट लिखा हुआ है 12 लाचिला पास 44 किलोमीटर्स उस बोर्ड पे लिखा हुआ है। और ये सीन अभी बिल्कुल लैंडस्केप इतना अच्छा हो रहा है, इतने सही बादल हो रहे हैं, देखते हैं आगे बारिश ना हो, बस यही होप करता हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी है क्रेता एंड यू नो क्रेता इज़ नॉट अ 4x4, तो थोड़ी दिक्कत ना हो जाए। अब आगे चलते हैं टूवर्ड्स शिंकुला पास। और एक चीज़ और, अगर आप दर्चा पे आ रहे हो आपको एक रजिस्टर में अपना नाम वाम लिखाना पड़ता है और वहाँ पे एक स्पेसिफिकली बोर्ड लिखा हुआ है कि आप इसके बाद सिग्नल कोई नहीं आएगा, तो जो भी आपको कॉल करना है उस चेक पोस्ट में कॉल कर लो क्योंकि उसके बाद आपको सिग्नल नहीं मिलने वाला। तो आगे चलते हैं। सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हो और पीछे मेरा व्यू देख लो आप, पूरी बर्फ पड़ी हुई है, ये मेरे पास भी बर्फ है और ये पूरा व्यू है शिंकुला से, माइंड ब्लोइंग व्यू है, व्यू नहीं व्यू है, वो पहाड़ है, पीक्स है, हिमालय के पीक्स है, उस साइड ग्लेशियर्स हैं और ठंड बहुत ज्यादा है, कैप पहन लेता हूँ। ये व्यू का जो मजा है ना यहाँ पर, इट्स एपिक, बहुत ही ज्यादा एपिक है। और सबसे अच्छी बात यह है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी रोड बना दी है शिंकुला पास तक एंड बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, हैट्स ऑफ टू देम। ठंड इतनी ज़्यादा है मुझे शायद अंदर बैठना पड़े, फक। फाइनली मैं शिंकुला पास पहुंच गया हूँ, यहाँ पे कुछ ट्रक्स खड़े हुए हैं और ये भारत माता की जय झंडा है, आप देख सकते हो कि झंडा कितनी तेज से लहरा रहा है, ये देखो इतनी ज़्यादा यहाँ पे विंड है, मुझे बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। ये शिंकुला लेक है, नीचे कुछ हद तक फ्रोजन हो चुका है, मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ एंड ये पीछे व्यू देखो आप, एपिक फीलिंग होती है। मैं अपने ग्लव्स लाना भूल गया हूँ तो ये कैप पहन लिया मैंने,
और मेरे हाथ जम रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे 0 डिग्री हो रखा होगा। 5000 मीटर्स अबव सी लेवल, माउंट एवरेस्ट से 3.5 किलोमीटर नीचे। तो ये आगे बोर्ड लगा हुआ है, प्रोजेक्ट योजक वेलकम यू टू शिंकुला टॉप MSL 16,580 फीट यानी करीब 5000 मीटर्स अप है। और ये रोड जाती है और इसके बाद यहाँ पे गेटवे टू जांस्कर वैली है, ये जांस्कर वैली है आगे, और ये रोड जा रही है गोनबो रंजन तक। एंड उधर के पहाड़ थोड़े पर्पलिश टाइप लग रहे हैं, एंड यहाँ पे पूरी स्नो लग रही है, स्नो है यहाँ पे गंदी स्नो है, थोड़ा कूड़ा कबाड़ा लोगों ने कर रखा है। बट अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो कूड़ा कबाड़ा बिल्कुल मत करना। दो बाइकर्स आ रखे हैं वहाँ पे, उस साइड दो बाइकर्स हैं, यहाँ पे बर्फ, ये कुछ ट्रकर्स हैं। हम आगे की तरफ जाएंगे गोनबो रंजन तक, देखते हैं क्रेता झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी। तो लेट्स ड्राइव टुवर्ड्स गोनबो रंजन। बट उससे पहले मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, ये पास है। एंड पास का मतलब क्या होता है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, नीचे मतलब वीडियो डिस्क्रिप्शन पे ही दे देता हूँ कि पास का मतलब क्या होता है। यस, वन मोर मिशन अकॉम्प्लिश्ड। यहाँ पे रोड बन चुकी है, पूरा पास तक बन चुकी है इस 2022 अक्टूबर मिड। अपडेट है कि पूरा ऊपर तक ये पास बन चुका है। और यहाँ से मैं नीचे गोनबो रंजन जाऊँगा, और यहाँ से रास्ता होता है खराब। लेट्स सी कि हम कवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, बट दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस। अब शिंकुला पास से मैं नीचे डिसेंड कर रहा हूँ टुवर्ड्स गोनबो रंजन, एंड आगे के जो पहाड़ है थोड़े पर्पलिश टाइप मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ से थोड़ी ऑफ रोडिंग शुरू हो जाती है, हालांकि सड़क थोड़ी ब्रॉड है, इस सड़क को बनाया जा रहा है, बट शिंकुला पास तक अभी बना है। यहाँ से कारगिल और करीब 450 किलोमीटर होगा, एंड पदुम से मैंने सुना है कि रास्ता अच्छा हो जाता है, बट यहाँ पे तो अभी रास्ता ख़राब है। 2-4 गाड़ियाँ यहाँ पे पास हो रही है, अभी आपने देखा था। तो लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन ड्राइव, टिल देन आप आगे का नज़ारा देखो। फिलहाल मैंने शिंकुला से डिसेंड कर लिया है, एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स गोनबो रंजन। रोड कुछ इस तरह है, 4x4 तो नहीं कहूँगा, बट बारिश के टाइम पे मडी हो सकता है। रोड ऐसे जा रही है, और ये इतना खूबसूरत पहाड़ है ना आगे, यहाँ आके जो फीलिंग आ रही है वो अलग ही लेवल की फीलिंग है। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे यहाँ पे कुछ ढाबे भी आ जाएंगे जब ये रोड पूरी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। और अगर ये रोड जब टाइमली कंस्ट्रक्ट होगी ना, तो मैं बता रहा हूँ इतनी सही होने वाली है ना रोड, इतनी स्मूथ होने वाली है। कुछ छोटा सा यहाँ पे हट है, तो यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो। वो देखो वहाँ से ट्रक आ रहा है, और ये रोड इस तरफ जा रही है जांस्कर की तरफ। ऑफिशियली मैं लद्दाख रीजन में हूँ, लद्दाख यूटी टेरिटरी में हूँ, ऐसा कोई बोर्ड तो नहीं दिखा, बट आगे एक बोर्ड आएगा तो ऑफिशियली उससे पता लग जाएगा कि मैं लद्दाख पे हूँ। माइंड ब्लोइंग है। और यहाँ पे एक हेलीपैड भी बन रहा है एक्चुअली, इस वाले एरिया पे हेलीपैड। तो काफ़ी जोरों शोरों से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। जो आगे आप देख रहे हो एक्चुअली ये रोड नहीं है, मैं रिवर बेड के ऊपर से जा रहा हूँ। रोड जो है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कंस्ट्रक्ट हो रही है, और ये पूरा रिवर बेड है। तो फिलहाल टेम्प्रेरी रोड ये वाली है गोनबो रंजन तक जाने के लिए। बहुत टायरिंग हो रखा है, प्रॉपर ऑफ रोडिंग है, क्रेटा झेल रही है अभी, पत्थरों को बहुत धीरे चला रहा हूँ ताकि टायर बर्स्ट ना हो, या फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो, या फिर फ्यूल टैंक पे ना लग जाए। तो इस बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देख रहे हो ये रिवर क्रॉसिंग है, अभी अक्टूबर का महीना है तो इतनी ज़्यादा पानी नहीं है, बट मॉनसून के टाइम पे यहाँ पे पानी बह जा, मतलब पानी बहुत ज़्यादा फ्लो होता है पानी का। व्यू देख लो, लैंडस्केप देख लो यहाँ पर, और ये मेरी गाड़ी है डूइंग गुड। आगे की तरफ जाना है गोनबो रंजन तक, एंड क्लाउडस्केप देखो यार। मैं गोनबो रंजन पहुँच गया हूँ, और वो है गोनबो रंजन। एक्चुअली थोड़ा बाद में आ गया हूँ मैं गोनबो रंजन से, ताकि पूरे पहाड़ का व्यू दिखाई दे। ये पहाड़ है, ये मेरी गाड़ी है, और एक 4x4 है भाई, यहाँ पे फोटोशूट कर रहे थे। ज़्यादा टाइम नहीं लगा एक्चुअली। हाँ, एक चीज़ और है, जब आप शिंकुला से आ रहे होते हो तो आपको पता नहीं लगता कि कौन सा पहाड़ है। रोड ऐसे जा रही है, और ये इतना खूबसूरत पहाड़ है ना आगे, बट जैसे जैसे आप पास आते रहते हो, थोड़ा क्रॉस करते हो ना, तब आपको एहसास होता है अच्छा आप गोनबो रंजन के पास आ चुके हो। अभी तो मैं थोड़ा दूर हूँ गोनबो रंजन से, मतलब फ़ोटो शूट के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे जाऊँगा, एक दो कैफ़ेज़ हैं, मैगी वैगी चाय वाय पीऊँगा, और आराम से अपने आप को रेस्ट करूँगा। 2 घंटे दूँगा अपने आप को यहाँ पर शूट करने के लिए। कुडोस टू क्रेटा,
जो वहाँ तक यहाँ तक आ गई है। इतना कोई 4x4 रोड नहीं थी, बट एक्सपीरियंस तो अच्छा था। और ये जो रोड जा रही है, ये जा रही है, देखो कितनी चौड़ी रोड बना रहे हैं टूवर्ड्स कारगिल पदुम। एंड पदुम यहाँ से आई गेस 100 किलोमीटर और होगा, और 4-5 घंटे लग सकते हैं। शानदार जगह है, ऐसा लग रहा है कि फीलिंग आ रही है कि सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पर। देखो जरा एक बार, मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ, चाय मंगवा ली है मैंने। अभी मुझे ऐसा लगा कि स्नो फ्लेक्स जो होते हैं ना, गोबरंजन पहाड़ यहाँ पर है, वो गिर रहे हैं। एंड आज जो वेदर अपडेट यही था कि 1-2 बजे के बाद बारिश होना शुरू हो जाएगी, और आई गेस शिंकुला पास में उस साइड बर्फ पड़ने लग जाएगी। और मेरी क्रेता है तो लेट मी सी, बस मैं चाय पी के निकलना है मेरे को, क्योंकि शिंकुला पास पहुंच जाऊं उसके बाद रोड बिल्कुल सही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शिंकुला पास तक जाने का एक टास्क है, वो भी अगर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। अब मेरे को नहीं पता आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, यहाँ पे स्नो फ्लेक्स गिर रहे हैं थोड़ा सा। अगर आप देखोगे, मैं पॉज कर दूँ या फिर स्लो मोशन में मैं कर देता हूँ, स्नो फ्लेक्स गिर रहे हैं यहाँ पर। शीशा मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है। मैं बस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहा भाई। बट आखिरकार ये बढ़िया सा वॉशरूम देख के इस खुली वादियों में किसको मन नहीं करता सुसु करने का। सो मैं बाहर निकला और सुसु करके फिर दोबारा गाड़ी पे बैठ गया। तो अब मैं गोबरंजन से निकल चुका हूँ, तो ये इतना ज्यादा ऑफ रोडिंग हो रही है, मैं फंस ना जाऊं। लेट मी जस्ट कॉन्सेंट्रेट और ड्राइव। और यार ये चढ़ाई कितनी है, शिंकुला क्रॉस करूं स्नोफॉल से पहले, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी तो कुछ टूरिस्ट यहाँ पे अटक गए। और ये चढ़ी गाड़ी, रेस ही नहीं ले रही भैया।